हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हेयर कट की वीडियो। गाइस, आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का जो कटिंग है वो मेरी एक स्टूडेंट ने किया है। तो आप लोग आज के वीडियो में ये जान पाएंगे कि कैसे हेयर कटिंग सीखा जाता है और मैं कैसे उन्हें सिखाती हूँ और क्या क्या मिस्टेक्स होता है और कैसे बताती हूँ। तो चलिए गाइस, कटिंग अब स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरे एक स्टूडेंट जो कि क्लाइंट के ऊपर ये हेयर कट कर रही है। ये हेयर कट फ्रंट का होता है जिसे हाफ लेज़र कट कहा जाता है हमारी तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टीशन कर लेते हैं, ईयर टू ईयर पार्टीशन करके, और इसके बाद सबसे पहले एक गाइडलाइन बनाया जाता है जो कि कस्टमर के पसंद के अनुसार होता है। यानी कि लेंथ जो होता है वो कस्टमर जितना बोलती है उतना ही छोटा किया जाता है। और यहाँ पे लास्ट लेंथ और फर्स्ट लेंथ दोनों ही पूछा जा रहा है। और अब स्टार्ट किया जा रहा है कटिंग। तो यहाँ पे देखिए आप कि मेरी स्टूडेंट किस तरीके से कटिंग कर रही है। तो यहाँ पे ये पहले तिरछा कटिंग कर ले रही है पूरे हेयर में, जो कि निकाला गया है बाहर की तरफ, सामने जो सेक्शन करके निकाला गया है। और इसमें अब किस तरीके से स्टेप दिया जाएगा। गाइस, आप लोग भी अगर बिगनर्स होंगे तो आप लोग जिस तरह से इन्हें परेशानी हो रही है या जिस तरह से ये कटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी कटिंग करते होंगे। और जो जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है आप लोग के साथ भी शायद आता होगा। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से कटिंग किया जाता है और मैं यहाँ पे किस तरह से इन्हें बताऊँगी कि कैसे ये कटिंग की है और क्या रह गया है किस। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप देख सकें और कुछ सीख सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये सारे बेनिफिट पहुँच सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े बाल को ले करके और पहले वाले गाइडलाइन के साथ उसे तिरछा मिलाते हुए कटिंग किया जा रहा है। गाइस, यहाँ मैं फिर से आप लोगों को समझा दूँ कि सबसे पहले बाल को कंघी किया जा रहा है, जो कि सामने की तरफ हल्का सा टाइटली घींच के उसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसे गाइडलाइन से मिलाते हुए कटिंग किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से दूसरे तरफ के बाल को भी काटेंगे। तो सबसे पहले गाइडलाइन बनाने के लिए थोड़े से बाल को लिया जा रहा है जिसमें कट लगाया जा रहा है और ये हो जाता है गाइडलाइन। अब इसी के साथ बाकी बचे हुए बाल में से थोड़े थोड़े बाल को लिया जा रहा है और थोड़ा सा हाथ को ट्विस्ट किया जा रहा है और ट्विस्ट करके इसे तिरछा कटिंग करके मिलाया जा रहा है। पहले वाले बाल में बाल को लिया जा रहा है और इस तरीके से कंघी करेंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट और देन कटिंग। फिर और जो बचे हुए बाल है उसी में उसे भी मिलाना है। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट नहीं की और डायरेक्ट कटिंग। हर एक बार आप ट्विस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब यहाँ पे क्या है, चेक किया जा रहा है दोनों साइड के बाल में कटिंग आ चुका है। अब यहाँ पे चेक करना है, दोनों तरफ से थोड़े थोड़े बाल को लेना है और चेक करना है कि कोई बड़ा छोटा तो नहीं रह गया है। तो दोनों को सेम कर लेना है जैसे कि ये यहाँ पे कर रही है। इसी तरह से जितने भी हेयर हैं सभी को चेक कर लेना है धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े बाल को लेकर के। आप बिगनर्स है गाइस तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े बाल को लेके ही काम करेंगे तो आपका काम में ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे ये कर रही है। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश कीजिए करने का तो आपका काम में बहुत ही अच्छा फिनिश आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये कटिंग हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये कैसा लुक आया है। तो मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ फाइनल टच देने के लिए। तो आप देख रहे हैं थोड़े से बाल को मैं ली, थोड़ा सा ट्विस्ट की और देखिए इस तरीके से मैं बाल को ली। सबसे पहले तो बाल पीछे वाले बाल को सेपरेट कर ले रही हूँ
बाल को इस तरह से कंघी करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ट्विस्ट करना है, देन आप इससे कट कर लेते हैं। और आप देखिए अब ये जो आया है थोड़ा स्टेप ज़्यादा आया है तो लुक थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो बाल को ऐसे खींची और ऐसे ट्विस्ट देन कट। इस तरह से गाइडलाइन के साथ बाल को मिलाना है, ट्विस्ट करना है, देन कट करना है, ट्विस्ट देन कट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है जो मैं स्टूडेंट काटी थी उससे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ ताकि उनके हाथ में भी फिनिश आ जाए। देखिए यहाँ भी इस साइड के बाल में पहले हेयर को लेना है कंघी के साथ, देन थोड़ा सा ट्विस्ट, देन कटिंग। गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के लिए ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोग के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल बन सके। और गाइस यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। मैं भी यहाँ पे चेक कर ले रही हूँ कि दोनों तरफ के हेयर एक बराबर है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर दे रही हूँ, ताकि लुक थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे कस्टमर जो जितना बोली है उतना ही है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट डर डर के थोड़ा लॉन्ग में ही रहने दी थी, मैं उसे थोड़ा शॉर्ट कर दे रही हूँ ताकि लुक ज़्यादा खूबसूरत आए। तो इस तरीके से आप भी कटिंग करें, प्रैक्टिस करें, तो आप लोग भी इस तरह का कटिंग ज़रूर ही अच्छे से कर पाएंगे। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे फाइनल टच दी हूँ, फिनिशिंग दे रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसा करने का कोशिश कीजिए। ये रहा फाइनल लुक जो कि फ्रंट का होता है, जिसे हमारी तरफ हाफ लेज़र के नाम से सभी लोग जानते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये कट होता है क्योंकि ये लॉन्ग हेयर के साथ फ्रंट में थोड़ा अच्छा लुक दे देता है। तो गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।